वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आज आपके डाउट क्लियर करूंगा। देखिए, बहुत ज़्यादा बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर एयरफोर्स एफ कैट का तो आपको पता है कि भर्ती आ गई है, लेकिन अब एक्स वाई यानी एयरफोर्स एक्स वाई यू नो नॉन टेक्निकल टेक्निकल की भर्ती कब तक आ सकती है? तो देखिए, मैं बता दूँ इसमें जो मेरा अनुमान है, और दूसरी बात, ये जो अनुमान है वो एक यू नो कुछ प्रूफ्स के ऊपर डिपेंड है। यानी कि अगर मैं आपको कुछ प्रूफ्स दिखा दूँ तो फिर आप हो सकता है ये बात आप मान सकते हैं कि हाँ, ये जो भर्ती है एयरफोर्स एक्स वाई की कि इस टाइम तक आ सकती है। देखिए, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो पूरा प्रिडिक्ट है, ठीक है? ये बिल्कुल अपना मानसिक सोचने के आधार पर मैं इस बात को बता रहा हूँ मैं आपको। दोस्तों, मेरा नाम है राम सर और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए, नेवी डबल ए का जो एग्जाम है, बस वो यू नो उसका फॉर्म भर जाएंगे, 14 तारीख के बाद उसका विंडो ओपन हो जाएगा और आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। बात की जा रही है एयरफोर्स एक्स वाई की भर्ती कब तक आ सकती है, जो कि आप सभी को बेहद इसका इंतजार है कि सर जल्दी से हमें बता दीजिएगा। तो मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसके बाद फिर मैं अपना व्यूज इसमें दूंगा जैसा आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो मैंने ये जो नोटिफिकेशन खोला हुआ है वो एयरफोर्स एफ कैट का खुला हुआ है। किसका? देखिए, इधर देखिए, यहाँ पर एयरफोर्स एफ कैट का खुला हुआ है। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि देखिए, 2017 में जो ये वैकेंसी आई थी एफ कैट की, वो 16 दिसंबर से और 14 जनवरी तक ये एफ कैट के फॉर्म भरे गए थे। यानी पिछली बार जो वैकेंसी आई थी एफ कैट की, वो कब आई थी? दिसंबर में आई थी, ठीक है? अब एक बात देखिएगा, दिसंबर में ये जो फॉर्म स्टार्ट हुए थे वो 14 से स्टार्ट हो गए थे ना, तो उसके जस्ट उसी टाइम पर एयरफोर्स एक्स वाई की भी भर्ती आई थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, ये एयरफोर्स एक्स वाई की भर्ती है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो 15 दिसंबर से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था। तो दोनों के अंदर देखा आपने काफी सिमिलरिटीज हैं, यानी एक्स वाई हो या फिर आपका एफ कैट हो, दोनों के अंदर सिमिलरिटी ये है कि दोनों के जो फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था वो दिसंबर के महीने में स्टार्ट हो गया था। तो ये काफी अच्छा यू नो आपके लिए एक यू नो बेनिफिट में से कह सकता हूँ। तो इस तरह से एक एस्टिमेशन लगाया जा सकता है कि देखिए, एफ कैट का तो आ गया, तो पूरी उम्मीद है कि देखिए एयरफोर्स एक्स वाई का भी अब बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो देखिए, अगर बात करें हम, एफ कैट का आ गया, नेवी नेवी डबल ए का, एसएसआर का, एमआर का आ गया, तो बचा हुआ एक्स वाई का, तो वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ऐसा मैंने क्यों कहा बहुत जल्दी? क्योंकि मैंने यहाँ से एक तरह से सोचा कि देखिए, यहाँ पर ही काफी क्लोज यू नो काफी यहाँ पर मैच मिलता है, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पर जो वैकेंसी आने वाला है वो दिसंबर के मंथ में आ जाएगा। तो देखिए, इस महीने के फर्स्ट वीक कहो या फिर देखिए 15 तारीख तक, मुझे लगता है कि 15 तारीख तक इसका नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो ओवरऑल देखिए, अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपनी तैयारी पर विशेष ध्यान देना है। अपनी तैयारी से बिल्कुल भी समझौता मत करिएगा, क्योंकि तैयारी अच्छी रहेगी तो ये अगर मान लो कल भी आ जाए और परसों यदि आपका पेपर हो जाए तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि जो कमियां अभी आपकी रही हैं वो कमियां वापस ना रहें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि देखिए, आपके जो क्वेश्चन थे कि राम सर बता दीजिए, आपका यदि कोई आइडिया है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो देखो जो मैंने सोचा, मैंने तथ्यों के आधार पर सोचा कि हाँ ऐसा हो सकता है, ठीक है? ये बिल्कुल सही बात नहीं है, आप इसको दिल पर मत ले जाना। जैसा आपने पूछा उसका मैंने जवाब दे दिया। तो हो सकता है कि इस महीने में आपका एयरफोर्स एक्स वाई का आवेदन आ सकता है। दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छी तरह से कंटिन्यू रखते रहिएगा। देखिए, एयरफोर्स के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छी मैंने इंग्लिश आपको पढ़वाई थी, इसके साथ आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो देखो प्लेलिस्ट में जाना, एयरफोर्स की आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। या फिर यदि आपको एयरफोर्स की तैयारी करनी है तो कभी भी यदि आपको अंग्रेजी पढ़नी है ना, तो आप हमेशा सर्च करना एयरफोर्स बाई राम सर, अपने आप निकल के आ जाएगा एयरफोर्स इंग्लिश बाई राम सर, तो उसमें मेरी वीडियोज आ जाएंगी। और देखो, ज्यादातर बच्चे पूछते हैं कि राम सर हम कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि बच्चे नए नए आते हैं, उनको कंफर्मेशन नहीं होता ना कहाँ से शुरुआत करना अंग्रेजी का। तो देखो, मैं आपको बताऊँ, जितनी भी मेरी वीडियोस हैं वो सभी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर भी डिपेंड है, उनका प्लेलिस्ट अलग है, पर्टिकुलर टॉपिक भी मैंने करवा दिया है, बाकी सबका मिक्स भी करवा दिया है। जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट या फिर खुद के करवाए हैं तो वो सिर्फ एक टॉपिक के ऊपर डिपेंड नहीं है, उनमें क्या है कि जितने भी आपके एयरफोर्स में टॉपिक पूछे जाते हैं उन सभी का उसमें सार है, यानी कि आपका मिक्स दे रखा है सभी का। इसीलिए मैं जितना भी करवाता हूँ वो ज्यादातर मिक्स करवाता हूँ, ताकि आपका हर एक टॉपिक से क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जा सके, ठीक है? तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपका नेवी डबल ए एसएसआर इन दोनों की स्पेशल तैयारी करवाऊंगा, उसके साथ एयरफोर्स एक्स वाई की भी करवाऊंगा। अब आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है? चलो, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।